नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मैं हूँ पवित्रा। मित्रों, मैं आज आपको लेके चलूंगी भारत के एक बहुत ही ज्यादा पुरातन मंदिर में। जी हाँ मित्रों, यह मंदिर भारत में मौजूद बहुत सारे पुरातन मंदिरों में से एक मंदिर है और यह बहुत ही ज्यादा पुरातन है। करीबन 1000 साल से भी ज्यादा पुरातन मंदिर है यह। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं भगवान श्री अनंत शयना जी की। मित्रों, यह मंदिर स्थित है कर्नाटका के बीदर जिले में। तो बीदर में बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक स्थल मौजूद है, साथ में बहुत ज्यादा तीर्थ स्थल भी मौजूद में है। और उसी तीर्थ स्थलों में से यह भी एक बहुत ही ज्यादा पुरातन मंदिर है। करीबन 1000 साल से भी ज्यादा पुरातन मंदिर है यह। तो मित्रों, यह तो मुझे पता है कि यह 1000 साल से भी ज्यादा पुरातन मंदिर है, पर मुझे सही आंकड़े नहीं पता है। अगर सही जानकारी मिले तो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी इसके बारे में। तो आप मंदिर का बनावट देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पुरातन बनावट है। जो पुरातन मंदिर बनते हैं वो इसी तरह से बनते थे पहले। तो सामने जो मौजूद है वही मंदिर का गर्भगृह है, भगवान श्री अनंत शयना जी की। जो आप ये देख रहे हैं, यह ध्वज स्तंभ है भगवान श्री जी का। तो बहुत ही विशाल ध्वज स्तंभ है यह। यह भी बहुत पुरातन है, परंतु अभी इसको फिर से नया बनवाया गया है। जो आप देख रहे हैं कमान के आकार में, इस तरह का बनावट पुराने जमाने में होता था। तो सामने ही है भगवान श्री अनंत शयना जी। मित्रों, अनंत शयना यानी भगवान श्री विष्णु जी का ही रूप है, यानी भगवान श्री विष्णु जी को ही अनंत शयना कहते हैं, यानी शयन करते हुए भगवान। अनंत यानी भगवान अनंत नाम के एक नाग के ऊपर शयन कर रहे हैं, इसी कारण उनको अनंत शयना कहते हैं। तो बहुत लोगों को गलत धारणा है कि भगवान श्री अनंत शयना जी शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। नहीं मित्रों, शेषनाग जी उनके सर के ऊपर है और जो शयन करते हैं भगवान वो अनंत नाग है, इस कारण उन्हें अनंत शयना कहा जाता है। तो देखिए, यह है भगवान श्री अनंत शयना जी। ये मूर्ति जो आपको दिख रही है, ये बहुत ही ज्यादा पुरातन मूर्ति है भगवान श्री जी की। तो भगवान श्री विष्णु जी को अनंत शयना कहा जाता है। यह सब जो अभी नया बनवाया गया है, तो मंदिर का अंदर का गर्भगृह है वो पुराना ही है, यानी पुरातन समय का ही वो गर्भगृह है। तो देखिए मित्रों, कितना सुंदर लग रहा है मंदिर का परिसर भाग। आप देख सकते हैं सामने कमान के आकार में बनावट बनाई गई है।
लॉकडाउन की वजह से मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं हो पाता, यानी भगवान जी के दर्शन बाहर से ही आपको करना पड़ेगा। और बीदर जिले में बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिनमें मैंने बहुत सारे वीडियोस भी आपको बना के दिखाए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करिएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर आइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पुरातन मंदिर मिलेंगे मेरे इस चैनल पर बीदर जिले के। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और इस तरह के बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।